हेयर फॉल ने मेरी लाइफ के 4 साल ऐसे मतलब ऐसे ही निकल गए, मुझे लगता ऐसी लगने लगा कि हल्के हल्के जैसे मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खोता जा रहा हूँ। फिर मैंने कहीं भी जाना छोड़ दिया था बिल्कुल ही, ना मुझे कहीं पार्टी में अच्छा लगता था जाना, ना किसी के फंक्शन में मैं अटेंड भी नहीं करता था, अपने रिलेटिव के यहाँ भी नहीं जाता था हेयर फॉल की वजह से, क्योंकि हर टाइम कैप लगाना भी यू नो ठीक नहीं लगता। मैं अपने हेयर लॉस को लेके काफ़ी परेशान हो चुका था, तो मेरे दोस्त वगैरह भी कहते थे कि पैचेस वगैरह कभी इस्तेमाल कर ले, डर्मो रोलर इस्तेमाल कर ले, पैचेस लगा ले, पर जो अपने नेचुरल बाल होते हैं ना तो वो अपने नेचुरल ही होते हैं। वो तुम्हें तो पता है कि तुमने पैच लगा रखा है, सामने वाले को तो नहीं पता, लेकिन खुद को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता ना वो, तो इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट ही मैंने चुना। 4-5 साल से मैं हेयर लॉस फेस कर रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे कैप लगाते, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि अब जाके कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे सच में ऐसा पता होता कि किसी मेडिसिन से या किसी उससे ये नहीं रुकते, तो मैं बहुत पहले ही ट्रांसप्लांट करा लेता। तो आज मेरी सर्जरी को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और मैं अपनी PRP के लिए आया था, और मैं पहले आपको अपनी सर्जरी के बारे में प्रॉपर बता नहीं पाया क्योंकि मुझे इमरजेंसी में अपने घर वापस जाना पड़ा। तो मैं आपको अपनी सर्जरी के बारे में बताता हूँ। पहले तो मैं OT में जाने से पहले काफ़ी नर्वस था, फिर जब मैं OT में गया तो डॉक्टर से मेरी बात हुई, वहाँ का जो स्टाफ था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हाइजीनिक था सब कुछ, तो मतलब फिर सब नॉर्मल सही लगने लगा जब उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब पुश किया, मेरी हेल्प की, मुझे बताया कि सब नॉर्मल ही है, कुछ नई बड़ी बात नहीं है। तो शुरू में जब एनेस्थीसिया मुझे दिया था तो मुझे हल्का सा माइनर सा पेन हुआ था, उसके बाद मुझे पता नहीं चला, सब कुछ बिल्कुल ईजिली इतना हो गया कि ऐसा लगा कि जैसे मैंने हाथ में अपने टैटू वगैरह करा रखे हैं, इतना नॉर्मल सा पेन होता है। उसके बाद कुछ भी मुझे पता नहीं चला और काफ़ी मतलब इतना मुझे रिलीफ मिला और ऐसा अच्छा लगा कि जैसे अपनी फैमिली के साथ बैठ के आदमी टाइम स्पेंड करता है ना, बिल्कुल सेम ऐसी फीलिंग थी। मेरी सर्जरी को 2 दिन लगे, 5500 मेरे ग्राफ्स लगे और काफ़ी हाइजेनिक था क्लिनिक हमारा, जो OT था काफ़ी अच्छा था, एटमोसफियर काफ़ी अच्छा था उसका, और मेरी QST टेक्निक से मेरी ग्राफ्स लगे हैं। सर्जरी कराने से पहले मेरे दिल में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न थी कि मतलब मैं अकेले जाऊं या ना जाऊं, तो मैं अपने साथ अपने 4-5 दोस्त लेके आया था जिनका खर्चा उठाना मुझे काफ़ी भारी पड़ा है। लेकिन आप चाहो तो अकेले भी आके नॉर्मली अपने सर्जरी करा सकते हो, कोई इतना कुछ नहीं है, नहीं आपके पेन होगा, ना आपको माइग्रेन की कोई दिक्कत होगी, कुछ नहीं है, बहुत ईजिली आप आओगे सर्जरी करा के नॉर्मली चले जाओगे, कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो जैसे कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई थी, तो जब मैं अपने घर गया था तो फर्स्ट नाइट मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, स्ट्रेट मुझे सोने के लिए बताया था सर ने कि आपको स्ट्रेट ही फैन की तरफ देख के सोना है, तो उस टाइम मुझे 2-3 दिन थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन जब मेरा फर्स्ट हेड वॉश हो गया था, फिर उसके बाद जब मेरा काफ़ी दोनों एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी अब हील हो चुका है पहले से, तो जब मैं ठीक से सोने लग गया था फिर मुझे कुछ पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। लेकिन हाँ, 1-2 दिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो सभी को होता है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस पहले से थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है। आप मेरी हेयरलाइन देख सकते हैं, अभी शेडिंग फेस चल रहा है, 2 से 3 मंथ में ये चलेगा, 4th मंथ में जाके मैं पहले जैसा अपना सुपर हीरो जैसा फील कर सकता हूँ। तो अभी तक मुझे जो मेरा डिसीजन था QST की टीम के साथ, मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। मुझे अभी तक जो भी रिजल्ट मिले हैं और जो भी मेरी सर से बातचीत हुई है, 100% मुझे लगता है कि मेरा खोया कॉन्फिडेंस फिर से वापस आएगा। अब सर्जरी को मेरे 1 मंथ हो गया है और ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर जाने के बाद भी QST की मुझे लगातार कॉन्टैक्ट करते हैं, हर दिन मुझे कॉल मैसेज करते हैं, मेरी अपडेट लेते हैं, मेरी स्कैल्प के फ़ोटो मांगते हैं, मुझसे कोई भी प्रॉब्लम होती है पेन के रिकॉर्डिंग मेडिसिन के रिकॉर्डिंग तो मुझे हर बार गाइड करते हैं बहुत अच्छे से, मतलब अपना पन रहता है उनमें, बात करते हैं मुझसे, जो भी मेरी कन्फ्यूज़न होती है, मुझे जो भी पूछना होता है बस मुझे एक मैसेज डालना होता है, उधर से कॉल बैक आ जाती है। मैं अपने जो भी मेरे जैसे जो हेयरफॉल की दिक्कत में परेशानी में थे मेरे भाई, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप आइए QST क्लिनिक में, अपनी प्रॉब्लम बताइए सर को, और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आगे आपको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाएंगे। तो अभी तक मेरा QST के साथ काफ़ी अच्छा रहा है और आप देख सकते हैं मेरे अभी तक 1 मंथ की कंडीशन, और मेरी पुरानी पिक्चर भी आप देख सकते हैं, और
आई होप आगे भी बहुत अच्छा मिलेगा रिजल्ट, जैसा अभी मैं काफ़ी खुश हूँ अपने रिजल्ट के साथ। अभी तो मेरा शेडिंग फेज चल रहा है, लेकिन 2-4 महीने बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा अपनी फ़ोटोज़, तो आप देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।